गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉलीफ्लावर है। कॉमन नेम कॉलीफ्लावर, बोटेनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्रिटिस। जब तक आप बोटेनिकल नेम के नीचे अंडरलाइन नहीं लगाओगे तब तक आपका वो बोटेनिकल नेम रोंग है। फैमिली क्रूसीफेरी, क्रोमोसोम नंबर CN का मतलब क्रोमोसोम नंबर 2N इक्वल टू 18। ओरिजन मेडिटेरियन रीजन, जिसको हम हिंदी में भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं, इसका ओरिजन है। एडेबल पार्ट इसका फ्रूट होता है, इसके फ्रूट को हम क्या कहते हैं, कर्ड के नाम से जानते हैं। सबसे मेन बात हमारे लिए है कि कॉलीफ्लावर किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका फर्स्ट शब्द है कॉलिस, जिसका अर्थ है कैबेज। सेकंड जो वर्ड है वो है फ्लोरिस, जिसका अर्थ है फ्लोवर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP, इन स्टेट के अंदर कॉलीफ्लावर की खेती की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट के ऊपर। सबसे मेन बात, कौन सी सीजन की वेजिटेबल है, वार्म है कूल, ये कूल क्लाइमेट इसको चाहिए, शीत ऋतु की फसल है। नंबर टू, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है कॉलीफ्लावर के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर 5 to 8 डिग्री सेल्सियस से 25 से 28 डिग्री सेल्सियस इसको तापक्रम चाहिए। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया जर्मिनेशन के लिए, आगे है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। कुछ किस्मों को तो 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए और कुछ किस्मों को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और मैच्योरिटी, कॉलीफ्लावर जब मैच्योर हो रही है उस समय तापक्रम क्या होना चाहिए, वो 70 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नंबर टू, सॉइल की, क्लाइमेट में हमारा पोर्शन पूरा होता है, हम आगे नेक्स्ट सॉइल की बात करेंगे। इसके लिए सॉइल किस कौन सी सॉइल की जरूरत है, डीप लॉम सॉइल इज आइडियल फॉर कॉलीफ्लावर कल्टीवेशन। नेक्स्ट नंबर थ्री पे अपनी वैरायटी है, कौन कौन सी इसकी वैरायटी है, जिसके हम नंबर 1 बात करेंगे। अगेती किस्मों के अंदर बात करेंगे, पूसा केतकी, पूसा दीपाली, ये अगेती किस्म है। मध्यम किस्में जिसमें पूसा हिमज्योति, पूसा सुप्रभा। नंबर थ्री, पिछेती किस्मों के अंदर पूसा स्नोबॉल 2, पूसा स्नोबॉल डैश 1, ये लेट वैरायटी, इसको हम स्नोबॉल टाइप के नाम से भी जानते हैं। किसको, लेट किस वैरायटी को। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आगे नेक्स्ट वैरायटी के बाद नेक्स्ट जो हमारा नंबर 4 आता है वो है नर्सरी मैनेजमेंट। कॉलीफ्लावर की पौध तैयार करने के लिए हम ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जो भूमि से ऊंचा हो और वहां पर जल निकास की उचित व्यवस्था हो। स्थान को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम पूरे प्लॉट को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं। आपको क्यारी का साइज क्या रखना है, लेंथ आपको उसकी 3 मीटर रखनी है, विड्थ आपको उसकी 1.5 मीटर रखनी है और हाइट आपको, क्योंकि बरसात के समय जल निकास की उचित व्यवस्था, बरसात आ जाए अधिक समय तक पानी रुकेगा तो पौध आपकी सीडलिंग है वो डैमेज हो जाएगी, इसलिए जमीन से 0.15 मीटर क्या होना चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। इसके बाद लगभग 20 से 25 बेड्स हाइब्रिड के लिए, अगर आपने हाइब्रिड वैरायटी को सिलेक्ट किया है तो लगभग 20 से 25 बेड्स हाइब्रिड के लिए चाहिए। अगर आपने नॉर्मल वैरायटीज को लिया है तो उसके लिए आपको 40 to 45 बेड्स फॉर 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए आपको हाइब्रिड के लिए 20 से 25 बेड्स बनाने हैं और नॉर्मल वैरायटी के लिए आपको 40 से 40 बेड्स बनाने हैं। इसके बाद बीजों को क्या बेड्स तैयार करने के बाद बीजों को 5 to 7 मीटर की दूरी पर बोना चाहिए और 1 सेंटीमीटर से अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। अगर आपने 1 सेंटीमीटर से अधिक गहरा बो दिया तो सीड का जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और पौधों को डैम्पिंग ऑफ से बचाने के लिए नर्सरी की भूमि को कैप्टन एट द रेट ऑफ
2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के साथ ड्रेंच कर देना चाहिए, जिससे कि डैम्पिंग ऑफ का प्रकोप पौधे पर न हो सके और पौधों को डैम्पिंग ऑफ के प्रकोप से बचाया जा सके। इसके बाद बीजों को हमने नर्सरी तैयार कर ली, ड्रेंच कर दिया। तैयार करने के बाद हम इसके बाद बीजों की सोइंग कर दी। सोइंग करने के बाद बीजों को FIM और सोइल के हल्के मिश्रण से ढक देंगे और पूरे सीड बेड को स्ट्रा, कोई भी स्ट्रा हो सकता है, हमारे पास वीट स्ट्रा है, राइस स्ट्रा है, गेहूं का भूसा, उससे हम पूरे सीड बेड को कवर कर देंगे, जिससे कि पानी मॉइस्चर बनी रहे और सीड का जर्मिनेट आसानी से हो जाए। जब सीड का जर्मिनेट हो जाता है तब भी जो हमने सीड बेड को जो कवर किया था वीट स्ट्रा से या राइस स्ट्रा से, उसको हटा देंगे और लगभग 4 to 5 weeks के बाद आपकी सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड रेट कि आपको 1 hectare की पौध तैयार करने के लिए आपको कितनी सीड रेट चाहिए। इसमें अलग अलग है क्योंकि हमने वैरायटी अलग अलग बात किया है। अगेती किस्मों के लिए हमें 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर, ये तो अगेती किस्मों के लिए बात कर ली। पिछेती व मध्यम किस्मों के लिए, उसके लिए आपको 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब नेक्स्ट हमारी बात करेंगे इसमें सोइंग टाइम क्या रहेगा। अगेती किस्मों के लिए, मिड वैरायटी के लिए अलग अलग रहेगा इनके लिए। तो पहले हम अर्ली वैरायटी कौन कौन सी हैं उनके लिए क्या सोइंग टाइम रहेगा। अर्ली वैरायटीज के लिए जून टू जुलाई, और मिड वैरायटी के लिए जुलाई टू अगस्त, और लेट वैरायटी के लिए सितंबर टू अक्टूबर, ये इनका सोइंग टाइम रहेगा। अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग सोइंग टाइम रहता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिंग। अर्ली वैरायटीज के लिए हमें स्पेसिंग क्या चाहिए। अर्ली किस्मों के लिए 45 into 30 centimeter, और मिड वैरायटी के लिए 60 into 45 centimeter। यही आपका लेट किस्मों के लिए रहेगा। मिड और लेट का सेम है, जो मिड का है वो ही लेट किस्म का। ये हमने स्पेसिंग की बात कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, कौन कौन से मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है जो कॉलीफ्लावर की क्रॉप्स वेजिटेबल को आवश्यकता होती है। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इसमें आपका FIM आपको कितना लेना है, 250 क्विंटल पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। P2O5 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। K2O 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके अलावा आपको बोरोन भी लेना है, 5 टू 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसके बाद मोलिब्डेनम MO जिसको कहते हैं, आपको 0.5 से 1 किलोग्राम लेना है पर हेक्टेयर के हिसाब से। ये आपका मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर है। आगे हम बात करेंगे इरिगेशन। अगेती किस्मों को 5 से 7 दिन के अंतराल पर इरिगेशन की आवश्यकता होती है, और लेट और मीडियम जो किस्में हैं
उनके लिए 8 से 12 दिन के अंतराल पर उनको इरिगेशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल में एक या दो निराई गुडाई करनी चाहिए। इसके बाद इसके अतिरिक्त शाकनाशी के द्वारा भी हम वीडों को कंट्रोल किया जा सकता है। शाकनाशी जैसे फ्लू क्लोरिन 0.5 से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके कॉलीफ्लावर की फसल को वीड के प्रकोप से बचाया जा सकता है या वीड को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग। इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाए? जब फल पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, ठोस आ जाए, उसका जो वास्तविक जो कलर है वो आ जाए, उस समय इसकी कटाई या तुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर हम देर से तुड़ाई करेंगे तो ये खराब हो जाएंगे, इसकी जो बाजार की जो क्वालिटी है या बाजार का मूल्य भाव है वो कम हो जाएगा, इसलिए इसकी समय पर हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यील्ड। यील्ड कितनी होती है? अगेती किस्मों की जो यील्ड है वो 60 to 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो मीडियम एंड लेट वैराइटीज हैं उनकी जो यील्ड है वो है 100 से 125 किलो क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट हम इंसेक्ट और पेस्ट डिजीज और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। थैंक यू।